हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरे के बारे में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, अरे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये पूरी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं इससे पहले आपको ज़रूर से कह दूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं बहुत ही इजी गोइंग वे में। तो चलिए, जब आप कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको जो स्टडीज हैं वो ज़्यादा बोझ जैसी नहीं लगती, बल्कि काफ़ी इजी गोइंग होने के साथ ही आपको इंटरेस्ट आने लगता है फिर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो जब आपका कोई सम सॉल्व हो जाता था और आंसर आता था तो जितनी खुशी होती थी आपको, वैसा ही जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और प्रोग्राम्स रन होंगे आपके तो तब भी आपको उतनी ही खुशी होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी टफ नहीं है सी लैंग्वेज। चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं अरे के बारे में। तो अरे को यदि हम बहुत इजी इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसमें हम बोलते हैं कि अरे जो है ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो आपके पास में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा और वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और कई बार इसको फाइनाइट कलेक्शन भी बोलते हैं। फाइनाइट क्यों? क्योंकि आप फिक्स साइज का अरे बनाते हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इनफाइनाइट नंबर्स उसमें सेव करवा पाए, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब जैसे मान लो अभी तक हम बना रहे थे वेरिएबल्स, जैसे बनाया इंट ए बी सी, इस तरीके से बनाया, तो ये इन तीनों का डेटा टाइप था इंटीजर, पर इन तीनों को मेमोरी जरूरी नहीं है कि पास पास वाली ही मेमोरी मिले, कोई सी भी मेमोरीज इन तीनों को अवेलेबल करवा दी जाती थी। ठीक है, बट अगर हम मान लें कि आपको एक क्लास में 100 बच्चे थे और उन 100 बच्चों का जो है एक सीरियल नंबर जो है वो सेव करवाना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम ये ए बी सी और ऐसे कर करके आपको 100 कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेंगे वेरिएबल्स के, तब जाके फिर आप उनको यूज कर पाओगे। तो वो करने की बजाय हम क्या कर लें, क्योंकि 100 अगर स्टूडेंट्स हैं और 100 का ही हम सीरियल नंबर सेव कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर ऑब्वियसली किस डेटा टाइप का होने वाला है, इंटीजर टाइप का। मतलब सबका डेटा टाइप कैसा होगा, सेम। तो जब सेम डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो हम ऐसे अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बना लेंगे, अरे। तो देखें, सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि अरे जो है इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो सिंटेक्स की यदि मैं बात करूं, एग्जाम में आपसे जब भी कुछ भी कंसेप्ट पूछा जाए तो आप सिंटेक्स जरूर लिखा करें। ठीक है, तो सिंटेक्स में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप, उसके बाद में आपके अरे का जो भी नेम है, ठीक है, वो अरे का नेम लिखोगे, उसके बाद में उसकी साइज, ठीक, और लास्ट में सेमी कॉलन। तो अब क्या होगा, ये डेटा टाइप ये बताएगा कि आपके जो अरे के एलिमेंट्स होंगे वो किस डेटा टाइप के होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, तो अरे का नाम क्या होगा, और साइज ये बताएगी कि कितने एलिमेंट्स वो सेव करवा पाएगा। ठीक है, तो यदि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मुझे एक इंटीजर टाइप का अरे बनाना है जिसका नाम देना है ए और उसमें 10 एलिमेंट सेव करवाना है, तो मैं लिखूंगी डेटा टाइप की जगह इंट, अरे का नाम ए और साइज में दे दूंगी 10। तो क्या होगा, ए नाम का एक अरे बनेगा, मेमोरी में ऐसे एलोकेशन हो जाएगा, इसका नाम होगा ए और इसमें कितने एलिमेंट्स आ पाएंगे, 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 एलिमेंट्स, ये 10ों ही एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या रहने वाला है, इंटीजर। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो अरे में हर एक वेरिएबल को अलग से यदि एक्सेस करना चाहते हैं हम, जैसे ये ए बी सी को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही इनको भी अगर अलग अलग से एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं अरे के इंडेक्स को। अब ये इंडेक्सिंग क्या होती है, जो भी पहला वैल्यू होगा वैल्यू वो 0 वाले इंडेक्स पे होगी। अरे में हमेशा इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितने हो गए? 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको 0 से लेकर 9 को क्या बोलेंगे? साइज माइनस 1। साइज कितनी थी? 10। साइज माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। तो आपकी इंडेक्सिंग हमेशा कहां से कहां जाएगी? 0 से साइज माइनस 1 तक। ठीक है, 0 to साइज माइनस 1। अब जो है, यदि हमको किसी एलिमेंट को लेना है, जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज भी डाल देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे मान लो डाल दिया हमने 5, 10, ये एलिमेंट्स डाल दिए। अब यदि हमको इस एलिमेंट के बारे में बात करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या था? ए। और इसकी लोकेशन क्या है? 3। तो हम जब लिखेंगे ए और 3, तो इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। ए ऑफ 0, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट, वैल्यू यहाँ वाली। ठीक है, तो ये हमेशा किसको डिनोट करेगा? वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? जो वैल्यू कौन सी लोकेशन पर है? इंडेक्स 0 पर। तो अभी के केस में ए ऑफ 0 पे क्या है? 5। ए ही क्यों? क्योंकि अरे का नाम ए था। इसका कुछ और नाम रखेंगे तो यहां पे आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो चलिए, यहां पर हम ले आए हैं अपना एक प्रोग्राम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक अरे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपके हेडर फाइल्स लगा ली, मेन फंक्शन में आए, और मेन फंक्शन में आने के बाद हमने क्या किया है? एक आई नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, और हमने एक लिया है अरे। अरे में जो है साइज हमने दी है 5। ठीक है, तो हम यहां बना लेते हैं एक अरे, 5 साइज का है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। इंडेक्सिंग कहां से शुरू होगी? अभी मैंने आपको बताया 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से चलेंगे साइज माइनस 1 तक। साइज कितनी थी? 5, तो 4 तक चले हम। ठीक है, अब क्या करना है? इस प्रोग्राम में हम यूजर से इसमें वैल्यू इंसर्ट भी करवाएंगे और फिर उन वैल्यूज को प्रिंट भी करवाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ऐसे अलग अलग वेरिएबल लेते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? उन सबको आपको बार बार से स्कैन करवाना पड़ता। ठीक है, बट अभी के केस में देखें तो क्योंकि हमारा यहां पर अगर देखोगे तो 1 से चेंज आ रहा है इंडेक्स में, तो बार बार अलग वेरिएबल का नाम याद नहीं रखना है, बल्कि आपका सिर्फ इंडेक्स बदल रहा है। जैसे इसका नाम ए है, तो पहले हो रहा है ए ऑफ 0, फिर हो रहा है ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ठीक है, कहाँ तक हो रहा है? ए ऑफ 4 तक। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखोगे तो ए तो फिक्स है, चेंज सिर्फ कहाँ आ रहा है? 0, 1, 2। तो अगर चेंज देखें तो सिर्फ एक नंबर से चेंज आ रहा है, तो जब एक नंबर से चेंज आ रहा है तो हम लूप लगा सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। चलिए देखें, तो सबसे पहले आपने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया और फिर एक अरे बना लिया है। जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ वैसे ही ये मेमोरी अलोकेट हो गई। अब हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि एंटर 5 वैल्यूज, तो यूजर क्या करने वाला है? 5 वैल्यू देगा, तो हम क्या करवाएंगे? उसको स्कैन करवाएंगे, पर क्योंकि हमारा सिर्फ यहां पर चेंज आ रहा है तो हमने क्या लगा लिया? एक फॉर लूप। और फॉर में ये वाली जो वैल्यू थी आई की, इसको हमने लूप के अंदर 0 से 4 तक ले लिया है। ठीक, तो शुरुआत करी 0 से और लास्ट कहां तक जाएगा? इक्वल टू 4 तक। तो लेस देन इक्वल टू 4 जब तक ट्रू होगा तब तक आपका लूप चलेगा। तो सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 थी तो क्या किया? स्कैनफ परसेंट डी, मतलब एक इंटीजर वैल्यू ले ली। परसेंट डी किसको डिनोट करता है? इंटीजर वैल्यू को। तो इंटीजर वैल्यू ली और सेव कहाँ की? ए ऑफ, आई की वैल्यू क्या थी? 0, तो ए ऑफ 0 पे सेव कर दी। तो हम मान लेते हैं कि हमने पहली वैल्यू दे दी थी 3, तो ये 3 कहाँ सेव होगी? एट द रेट सॉरी एम परसेंट ए ऑफ 0, तो 3 आ गया आपका यहाँ पर। फिर क्या हुआ? अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 0 से हो गई 1, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 1 4 से छोटा होता है, तो हम यहां आ गए। अब जो वैल्यू दी वो कहाँ चली गई? ए ऑफ 1 के पास। मान लो मैंने 5 दिया था, फिर लूप चला, अभी 1 थी वैल्यू, अब 2 हो गई, फिर से हम अंदर आए, जो भी आपने वैल्यू दी मान लो 13 दिया, तो वो कहाँ चला गया? ए ऑफ 2 पर, ए ऑफ 2।
फिर से लूप चला, अभी वैल्यू 3 हो गई, जो भी वैल्यू दी आ गई, फिर वैल्यू हो गई 4। 4 में भी जब आए तो कंडीशन क्या थी, i की वैल्यू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर हम आ गए अंदर, मान लो आपने दिया 50 तो वो यहां सेव हो गया। जैसे ही आप 4 से वैल्यू क्या होगी, ऊपर से फिर से जाएंगे रोटेट होके, तो i की वैल्यू 4 से बढ़ के होगी 5। जैसे ही वैल्यू हुई 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, हम आ गए इससे बाहर। बाहर आ गए मतलब आपने सारा रीड करने का काम कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करवाना है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करवाना है तो फिर से क्या चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, क्योंकि हम फिर कहां से कहां डिस्प्ले करवाएंगे, ए ऑफ 0 से ए ऑफ 4 तक। तो हमने फिर से लूप लगाया और इस बार स्कैनएफ नहीं लिया, क्योंकि स्कैनएफ क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है, इनपुट को रीड करता है, और प्रिंटएफ क्या करता है, आउटपुट को प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहां पर आए, आपने लिखा एंटर्ड एलिमेंट्स आर, लूप चला, तो ए ऑफ 0 पे जो भी लिखा था वो क्या हुआ, प्रिंट हुआ, ए ऑफ 0 यानी कि 3 प्रिंट हुआ। फिर से लूप चला, फिर क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो इसने प्रिंट करवाया, अब क्या प्रिंट हुआ, 5। फिर लूप चला, 1 से 2 हो गया तो प्रिंट हुआ 13, फिर प्रिंट हुआ 20, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई और प्रिंट हुआ 50। अगेन आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हमारा अरे कंप्लीट हो चुका है, हम आ जाएंगे इससे बाहर। तो ये था आपका प्रोग्राम एक सिंपल अरे को रीड करवाने का और उसको डिस्प्ले करवाने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहां पर क्या किया है हमने, एक ही डायरेक्शन में है आपका अरे, इसलिए ऐसे अरे को बोलते हैं वन डायमेंशनल अरे, ठीक है, वन डायमेंशनल अरे। तो वन डायमेंशनल अरे में सिर्फ आपका ऐसे ही जाएगा। इसके बाद वाली वीडियो में यदि आप इसमें कमेंट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम बात करेंगे 2D अरे की। 2D अरे में क्या होगा, रोज भी होगी और कॉलम्स भी होंगे, वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।